नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। शाम हो चली है, वक्त हो चुका है इस वक्त के बुलेटिन का। आपके शहर में क्या, कब और कैसे हुआ, चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आज के तमाम सुर्खियों की ओर। जदयू विलय के दावे पर विजय चौधरी का सुमो को पलटवार, कहा पहले अपने पार्टी में देख लें खुद की हैसियत। ललन सिंह का संजय जायसवाल पर हमला, बोले उनकी हैसियत क्या है। बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद रवाना हुए जदयू एमएलसी नीरज, छठ पूजा में कई बार आया था स्ट्रोक। तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर अकेले फैसला नहीं कर सकते नीतीश, मांझी ने कहा महागठबंधन के बाकी दलों की राय भी ली जाए। 17 साल बाद सीएम नीतीश करेंगे सोनपुर मेले का उद्घाटन, विदेशी पर्यटकों के लिए स्विस कॉटेज। बीजेपी का नीतीश पर तीखा हमला, जायसवाल बोले केंद्र सरकार से दान में मिले सड़क और बिजली की कब तक होगी बात। बिहार को मिलेंगे 10,500 नए पुलिसकर्मी, 16 नवंबर को नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र। आज जेल से बाहर आए आनंद मोहन, उपचुनाव में मिल सकता है महागठबंधन को फायदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन, खनन मामले में होगी पूछताछ। मंगलवार की शाम थमा चुनाव प्रचार, अब सबकी किस्मत तय करेंगे वोटर्स। आरजेडी ऑफिस से जगदानंद सिंह को दूर हुए एक महीना पूरा, आर या पार का बनाया है प्लान। बीजेपी को बड़ा झटका, गोपालगंज चुनाव से ठीक पहले बीजेपी नेता बीएन जायसवाल ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता से की मुलाकात। आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ पीएचसी में याचिका दायर, बीजेपी अध्यक्ष बोले निर्वाचन आयोग से इंसाफ नहीं मिला तब कोर्ट जाना पड़ा। नालंदा में बोले पप्पू यादव, मोकामा में उपचुनाव 1147 और 1157 के बीच होगा। राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ याचिका दायर, चुनाव के पहले एक मतदाता ने बढ़ाई मुश्किलें। नालंदा में स्टैंड में खड़ी बस में अचानक लगी आग, एक एक कर 5 बस जलकर हुआ खाक। बिहार में छठ के दिन डूबने से 42 की मौत, एक्शन में नीतीश कुमार, जिलाधिकारियों को जांच के आदेश। नवादा पहुंचे भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल, बेकाबू भीड़ से व्यवस्था बदहाल। पटना यूनिवर्सिटी में चढ़ेगा राजनीति का पारा, गुरुवार से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो जनरेशन में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल डीएनए न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।